जय माता दी। नवरात्र का समापन और आज दशहरे का दिन, असत्य पे सत्य की विजय। और ये हमें दर्शाता है कि जो आने वाला समय है, यदि हम अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में बाकी लोगों के प्रति अपनी अच्छी धारणा रख के ग्रो करें, तो हम हमेशा विजय के पथ पर अग्रसर रह सकते हैं। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह जो नवरात्र का सप्ताह था, सभी जातकों के लिए अच्छा समय रहा होगा। सबने माता रानी को मनाया होगा। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। शुभ रदन है हीरा। शुभ उदास है 6 मुख्य उदास। शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। कारोबार में भी इजाफा रहेगा। शेयर बाजार में पूंजी निवेश लाभप्रद साबित हो सकता है। छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाने के योग बनते हैं। छात्रों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। पढ़ते समय एकाग्रता बनाकर मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। रोमांस का आपको भरपूर समय मिलेगा। बिगड़े हुए रिश्ते इस सप्ताह सुधार सकते हैं। परिवार में भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके प्रियजन आपके साथ सुरक्षित संरक्षित और अच्छा महसूस करेंगे। घर में भाई बहनों से आपके रिश्ते और मधुर रहेंगे। पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्यों की बेला भी दस्तक दे सकती है। पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। जीवन साथी व माता के स्वास्थ्य की चिंताएं इस सप्ताह बढ़ सकती हैं। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि हमेशा हर काम से पहले, अहम काम से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लेके निकलें। माता को मंडे या फ्राइडे के दिन खीर का भोग जरूर खिलाएं। दही से स्नान करना इस राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहेगा। मंदिर में शहद सौंफ खांड आदि का दान करना भी इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। काली या लाल गाय की सेवा करना या पालना भी इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। माता सरस्वती की पूजा करना और चांदी की अंगूठी दाएं हाथ के अंगूठे में पहनना इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार भी साबित होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए क्या डिफरेंट उपाय करने चाहिए, जो कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा हमें लाइफ लॉन्ग हमें बांध के रखने हैं अपने गांठ में, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ गांठ बांध लें, तो इसी तरीके से ये कुछ उपाय हैं जिसमें माता पिता की सेवा करना, ज़रूरतमंदों को आपको दान देना, बुरे कर्मों से बच के रहना, नॉन वेज मांस मदिरा जो भी आपके मत को और माइंड को भ्रमित कर सके उनसे दूर रहना, हमेशा दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहना। जितने भी प्लानेट आपके नेगेटिव हैं, जितने भी महादशा अंतरदशा आपके लिए नेगेटिव हैं, जो भी आपके कुंडली के अंदर दोष हैं, उन सबको दूर करने में, उनको सबसाइड करने में आपके लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सारे उपाय हो सकता ना कर पाएँ जितने मैंने आपको बताए, बट इनमें से जो मेन आपको हमेशा के लिए याद रखना है वो माता पिता की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो एक आने वाला सप्ताह ही नहीं, आने वाले हर सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। समय चेंज होता है, महादशाएं चेंज होती हैं, अंतरदशा चेंज होती हैं, उनके कंजंक्शन जो डिफरेंट नेगेटिव प्लैनेट्स का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और यदि टोटल पॉजिटिव सम बैलेंस हमारे अच्छे कर्मों की वजह से टोटल नेगेटिव सम बैलेंस से ज़्यादा होगा तो आपके पास जीवन में परेशानियाँ आएंगी, बट द सेम टाइम आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी। ये एक बेसिक मूल मंत्र है जो आपको अपने साथ बांध के रखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए शुभकारी अच्छा साबित रहे, मैं मामा गुरु गौरव नमस्कार।